अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 20 फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर इम्पॉर्टेंट रिबन बटन। वी विल डू डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ हेयर आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द इंसर्ट रिबन बटन along with practical examples. Now this is the insert menu and we have a lot of working options in the insert menu. So ab hum chalte hain aur inko one by one hum karke dekhte hain ki inse hame kya advantage mil sakta. So I am creating a blank page. Now here is the insert menu. The first task is the cover page. Now what is a cover page? In a lot of situations we can use the cover pages. We can use the cover pages for making our files. We can use cover pages for our assignments, because as you all know that every assignment has a cover page. So you can use cover pages for making your assignments and confidential files as well. Similarly, agar aap koi book write kar rahe to aap बुक कवर पेज भी इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। आप इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई पोस्टर डिज़ाइन करना चाहते हैं वो भी आप इसमें कर सकते हैं। नो डाउट इनकी क्वालिटी ग्राफिकल सॉफ्टवेयर के हवाले से तो उतनी बेटर नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर आप कोई एज ए स्टार्टर इसको यूज़ करना चाहें तो आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अब कवर पेज के लिए हम क्या करेंगे, वी विल गो टू द ऑप्शन कवर पेज एंड हेयर आर डिफरेंट ऑप्शन फॉर क्रिएटिंग द कवर पेज। फॉर एग्जाम्पल this is an option. Now this is a cover page. You can type the document title here. You can also type the subtitle here. You can change the author name or company name. Now this is a cover page. अब अगर इस cover page को हम change करना चाहें, simply इस पर click करें, cover page पर जाएं और कोई दूसरी selection कर लें। Now the cover page layout is changed. तो हम cover pages को बहुत सी ऑप्शंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये भी एक ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है ब्लैंक पेज की। नाउ लुक एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, इट इज सेइंग दैट वी हैव ओनली वन पेज इन आवर डॉक्यूमेंट। नाउ व्हेन आई क्लिक ए ब्लैंक पेज इट क्रिएट्स अनदर पेज, सो वी हैव टू पेजेस। नाउ अगेन when I click the blank page it creates three pages, so we have a total of three pages. Now we have another option, that is page break. Now what is a page break? I have one page in my document. When I click the page break it adds another page. Similarly, when I click page break it adds another page. Now what is the difference between the blank page and page break? This is your assignment. You can go to internet and search out the difference between the blank page and the page break. Next हमारे पास जो option आती है वो हमारे पास option आती है tables की। What is a table? A table is a collection of rows and columns and it is used to organize data. For example, I have student names and CGPA. I can simply write data in this format, student name, CGPA. For example, I have a student name ABC and the CGPA is 3.2. Iski layout aapko theek nazar aa rahi. I have a name DEFGHI and the CGPA is 3.4. Iski layout bhi theek hai. But when I get this long name, I have to adjust CGPA for here. अब इसकी लेआउट आपको सही नहीं लग रही। अब आपको लेआउट एडजस्ट करने के लिए इनको टैब करेक्टर के थ्रू मूव करना पड़ेगा। नाउ व्हेन यू गेट अनदर रो और अनदर लॉन्ग नेम यू विल हैव टू अगेन परफॉर्म द सेम प्रोसेस। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम टेबल्स को यूज़ करते हैं। अब टेबल्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है टेबल्स की। टेबल्स क्रिएट करने के लिए तीन बेसिक वेज हैं। फर्स्ट ये कि हम यहाँ से प्री डिफाइंड नंबर ऑफ कॉलम्स और रो सेलेक्ट करके ड्रॉ कर लें।
सेकंड हम इंसर्ट टेबल पे मूव कर दें या हम टेबल को ड्रॉ कर लें। सो हम पहली ऑप्शन को देखते हैं, हेयर आर नंबर ऑफ रोज एंड हेयर आर नंबर ऑफ कॉलम सॉरी एंड हेयर आर नंबर ऑफ रोज। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू क्रिएट ए टेबल ऑफ 4 कॉलम्स एंड 5 रोज, आई विल सेलेक्ट 4 कॉलम्स एंड आई विल सेलेक्ट 5 रोज। नाउ दिस इज योर बेसिक टेबल, इट हैज़ 4 कॉलम्स एंड 5 रोज। द फर्स्ट रो ऑफ द टेबल इज नोन एज टेबल हेडर, दिस इज टेबल हेडर। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ, ये आपके पास टेबल हेडर। अगर आप नोट करें तो जैसे ही मैंने टेबल ड्रॉ किया हमारे पास 2 नए रिबन बटन्स आ गए, डिज़ाइन एंड लेआउट। नाउ द डिज़ाइन डिफाइंस डिफरेंट टेबल स्टाइल्स, यू कैन यूज एनी टेबल स्टाइल फ्रॉम हेयर, दिस विल मेक आवर डॉक्यूमेंट्स मोर अट्रैक्टिव एंड मोर प्रोफेशनल। सिमिलरली वी हैव शेडिंग ऑप्शन, फॉर एग्जाम्पल आई क्लिक दिस रो और आई क्लिक दिस सिंगल कॉलम एंड अप्लाई दिस शेडिंग, यू कैन अप्लाई कस्टम शेडिंग्स एज वेल। आप किसी भी कॉलम को शेड कर सकते हैं, किसी भी सेल को शेड कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ ए सेल, दिस इज़ ए सेल, दिस इज़ अनदर सेल, दिस इज़ अनदर सेल। तो आप किसी भी सेल को शेड कर सकते हैं। अगर हमने कंप्लीट रोज शेड करनी है तो हम पूरी रोज सेलेक्ट करेंगे और उसको हम शेड कर देंगे। इस तरह एक पूरा कॉलम आपने शेड करना है, आप पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे और उसको हम शेड कर देंगे। सो दिस इज़ बेसिकली शेडिंग। नेक्स्ट वी हैव अनदर ऑप्शन फॉर ड्राइंग टेबल्स एंड दैट इज इंसर्ट टेबल। अच्छा, अब हमें इंसर्ट टेबल ही क्यों यूज करना पड़ा, अब हम इसको फुली सेलेक्ट करते हैं। नाउ इट इज क्रिएटिंग 10 कॉलम्स एंड 8 रोज। इफ़ आई नीड ए टेबल हैविंग 10 कॉलम्स एंड 10 रोज, आई कैन नॉट यूज दिस, फॉर दिस आई विल यूज इंसर्ट टेबल। आई विल राइट द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड द नंबर ऑफ रोज, सो आई कैन गेट ए टेबल हैविंग 10 कॉलम्स एंड 10 रोज। अगेन आपको फिर ऊपर वही ऑप्शन नज़र आ गई, शेडिंग की और उनके टेबल स्टाइल्स की और बॉर्डर्स की। बॉर्डर्स पर आप वर्किंग करके देखिएगा, इससे आप इंटरेस्टिंग किस्म के सेल्स और बॉर्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सपोज मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ 3 रोज एंड 3 कॉलम्स का, सो दिस इज आवर बेसिक टेबल। अच्छा, अब आप टेबल्स के कॉलम्स की विड्थ जो है उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी विड्थ को कम करना चाहता हूँ, ये मैंने कॉलम बनाया सीरियल नंबर के लिए, सो मैं इसकी विड्थ को ऐसे कम कर सकता हूँ। मैंने ये कॉलम बनाया CGP के लिए, इसकी विड्थ को मैं ऐसे कम कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं स्टूडेंट नेम लिख सकता हूँ। नाउ योर टेबल इज टूअर्ड्स द राइट साइड, अब हम इसको लेफ्ट पे लाइन कैसे कर सकते हैं। ये सेंटर लाइन है, ये लेफ्ट लाइन है, ये राइट लाइन, तो ये टेबल की अलाइनमेंट है। जिस तरह टेक्स्ट की अलाइनमेंट कंट्रोल की, उसी तरह टेबल की अलाइनमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। इसका एक और वे भी है, आप सिंपल टेबल को सेलेक्ट करें, टेबल प्रॉपर्टीज पर जाएं और यहाँ से आप इसकी अलाइनमेंट चेंज कर दें। आई रिपीट कि आप टेबल सेलेक्ट करें, टेबल प्रॉपर्टीज पर जाएं और यहाँ से इसकी अलाइनमेंट को आप चेंज कर दें, तो यू कैन चेंज टेबल अलाइनमेंट्स। अब लेट्स सपोज हमने यहाँ पर कुछ डाटा लिख दिया स्टूडेंट्स का, फॉर एग्जांपल हम इनके दरमियान एक और स्टूडेंट का डाटा लिखना चाह रहे थे लेकिन हम भूल गए, तो हम क्या करेंगे, हम किसी एक सेल पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे एंड वी हैव ऑप्शंस इंसर्ट रोज अबव और रोज बिलो। Now my cursor is in second row. If I select the option insert rows below, row will be created below this row. And if I choose the option insert row above, row will be created above. Similarly,
अगर यहाँ पर हम फादर्स नेम या क्लास का कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, कॉलम के किसी सेल पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट ऑप्शन पर जाएंगे, कॉलम टू द लेफ्ट और कॉलम टू द राइट। व्हेन आई क्लिक दिस ऑप्शन कॉलम विल बी एडेड टू द लेफ्ट एंड व्हेन आई क्लिक दिस ऑप्शन कॉलम विल बी एडेड टू द राइट साइड। सो ये बेसिक आपके पास वेज हैं रोज और कॉलम्स को इंसर्ट करने के लिए। और अगर आप नॉर्मल फ्लो में मूव कर रहे हैं तो तब आप टैब करैक्टर प्रेस करते जाएं, टेबल की रोज खुद ब खुद इंक्रीज होती जाएं। नाउ दिस इज बेसिक टेबल मैनिपुलेशन। अब हम कुछ और एडवांस्ड टेक्निक की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने ऐसे लिख दिया, ये टेक्स्ट आपको हॉरिजेंटल नज़र आ रहा, आप चाह रहे हैं कि ये वर्टिकली लिखा जाए, सो यू कैन सिंपली गो टू टेक्स्ट डायरेक्शन एंड सेलेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन। नाउ योर टेक्स्ट इज रिटन वर्टिकली। सिमिलरली यू कैन गो टू दिस, सेलेक्ट दिस एंड गो टू द टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शन, यू कैन ऑल्सो यूज दिस। नाउ देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दियर ओरिएंटेशंस, द फर्स्ट वन द सीरियल नंबर इज़ फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड द अदर इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट हमारे पास एक और ऑप्शन है। अब आपको स्टूडेंट नेम बिल्कुल टॉप पे लिखा नज़र आ रहा है, मैं अगर इसको यहाँ से सेंटर अलाइन करने की कोशिश करता हूँ, सिर्फ ये टेक्स्ट सेंटर अलाइन होता है, इट इज़ अलाइनिंग हॉरिजेंटली इन सेंटर एंड इफ़ यू वांट टू अलाइन इट वर्टिकली हाउ वी कैन डू दैट, सिंपली सेलेक्ट द टेक्स्ट और सेलेक्ट द सेल, गो टू टेबल प्रॉपर्टीज, हेयर यू विल सी अ लॉट ऑफ टैब्स रिलेटेड टू टेबल रोज कॉलम्स एंड सेल्स, सो यू गो टू सेल एंड गो फॉर वर्टिकल अलाइनमेंट, द वर्टिकल अलाइनमेंट करंटली इज टॉप, सिंपली सेलेक्ट सेंटर, नाउ योर टेक्स्ट इज राइट एट द सेंटर ऑफ द सेल। तो आप हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट जो हैं वो दोनों ही परफॉर्म कर सकते हैं इसके थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास जो टास्क आता है वो है मर्ज सेल्स का। फॉर एग्जांपल मैं इन दो सेल्स को कंबाइन करना चाहता हूँ, यानी इनको एक सेल बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, आई विल सिंपली सेलेक्ट बोथ ऑफ दिस, आई विल राइट क्लिक एंड विल गो फॉर द ऑप्शन मर्ज सेल्स। तो ये हमारे पास दो सेल्स मर्ज हो गए वर्टिकली। हॉरिजेंटली भी आप मर्ज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इन दो तीन सेल्स को मर्ज करना चाहता हूँ, आप इन तीन को सेलेक्ट करें और इसको मर्ज सेल कर दें, तो ये तीनों मर्ज हो गए। सिमिलरली हम इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आई गो टू स्प्लिट सेल एंड आई से दैट मर्ज दीज थ्री कॉलम्स इनटू टू एंड मेक ओनली ए सिंगल रो। नाउ दीज सेल दिस सेल इज स्प्लिटेड इंटू टू कॉलम्स एंड सिंगल रो। अब हम एक एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इसको दो कॉलम्स और दो रो में स्प्लिट करो, तो ये आपके पास दो कॉलम्स और दो रो में स्प्लिट हो गए। इसी तरह मैं अगर यहाँ पर ऑप्शन करूँ कि तीन कॉलम्स एंड तीन रोज, ये तीन कॉलम्स और तीन रोज में स्प्लिट हो गया। सो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद द मर्ज सेल एंड द स्प्लिट सेल। नेक्स्ट हमारे पास टास्क आता है कि हम एक रो को डिलीट कैसे कर सकते हैं, हमने इंसर्ट कर लिया, डिलीट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आई वांट टू डिलीट दिस रो, आई विल सिंपली क्लिक ऑन द सेल, आई विल राइट क्लिक एंड आई विल गो फॉर डिलीट सेल। नाउ ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस पूछ रहा है, शिफ्ट सेल्स अप, शिफ्ट सेल लेफ्ट, डिलीट इंटायर रो, डिलीट इंटायर कॉलम है। सो मोस्ट कॉमनली वी यूज द लास्ट टू ऑप्शंस, डिलीट इंटायर रो एंड डिलीट इंटायर कॉलम्स। सो आई एम गोइंग टू डिलीट द रो, आई विल सेलेक्ट द ऑप्शन डिलीट इंटायर रो एंड विल क्लिक ओके, होल रो विल बी डिलीटेड। सिमिलरली इफ आई वांट टू डिलीट दिस कॉलम, आई विल क्लिक ऑन द सेल, आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, किसी भी सेल में क्लिक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं फर्स्ट वन में करें, आप यहाँ पर क्लिक कर लें और इसे आप कहें कि डिलीट सेल्स, डिलीट इंटायर कॉलम, सो इंटायर कॉलम इज़ वैनिश्ड। सो ये हमारे पास वर्किंग हो सकती। उसके बाद हम
सेल हाईलाइटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस सेल को सिलेक्ट करूं, टेबल प्रॉपर्टीज़ पे जाऊं, टेबल पर जाऊं, बॉर्डर्स और शेडिंग, यहाँ पर शेडिंग का ऑप्शन है, तो शेडिंग का ऑप्शन कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आई सिलेक्ट दिस, नाउ योर होल सेल विल बी शेडेड विद ब्लैक कलर एंड द राइटिंग विल बी वाइट। तो आप इस ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं टेबल्स की फॉर्म में। सो ये टेबल की बेसिक वर्किंग थी जो हम कर सकते हैं। आप इनकी डिफरेंट ऑप्शंस को यूज़ करके देखिएगा, टेबल्स की रोज ऐड डिलीट करके देखिएगा, तो आपको बेटर आइडिया हो जाएगा। द नेक्स्ट टास्क वी हैव इज पिक्चर्स। वी कैन इंसर्ट पिक्चर्स इन आवर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट टू मेक इट मोर प्रोफेशनल। फॉर दिस वी कैन यूज द इलस्ट्रेशंस टैब, वी कैन गो फॉर पिक्चर्स एंड एड एनी सॉर्ट ऑफ पिक्चर। आई हैव इंसर्टेड ए पिक्चर। अब जैसे ही हमने पिक्चर इंसर्ट की, साथ ही एक नया रिबन बटन ऐड हो गया एंड दैट इज फॉर्मेटिंग। अब फॉर्मेटिंग में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन रिमूव द बैकग्राउंड, यू कैन परफॉर्म कलर करेक्शन, ये डिफरेंट ऑप्शन है कलर करेक्शन। You can change the color scheme of the images. You can add artistic effects. You can change the picture border style. जैसे हमने border place किया, हम बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं, हम पिक्चर पे शेडोज लगा सकते हैं या पिक्चर को ग्लो करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जैसे ग्लो करवाया, सो ये पिक्चर्स की बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी वे से। इसी तरह हम पिक्चर के लेआउट को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पर पिक्चर लगा दी और यहाँ पर हम कोई टेक्स्ट राइट अप कर दें। सो इस तरह के डिज़ाइंस आप अपने डॉक्यूमेंट्स में क्रिएट कर सकते हैं। इन डिज़ाइंस को हम फर्दर रिफाइन कर सकते हैं यहाँ से। सो ये हमारे पास पिक्चर्स की डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप ऑनलाइन पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, बट यू विल नीड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड यू विल बी यूजिंग पिक्चर यूआरएल्स। बट मोस्ट पीपल डाउनलोड पिक्चर्स एंड देन यूज इट इन देयर डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट वी हैव शेप्स। Again in illustrations you will find shapes. You can use shapes to draw diagrams. For example, you can draw this box. और अगर आप नोट करें तो जैसे ही मैंने बॉक्स ड्रॉ किया, फिर दोबारा से ऑप्शंस आ गए कि आप इसके कलर स्कीम्स को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कलर स्कीम अप्लाई कर सकते हैं, आप शेप फिल कलर को चेंज कर सकते हैं, यू कैन चेंज द शेप आउटलाइन विद दिस कलर, यू कैन ऐड इफेक्ट्स टू योर शेप लाइक दिस, यू कैन ऐड टेक्स्ट टू दिस। तो आप इससे 3D इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर और कोई सिंबल्स यूज़ कर लें, इसकी हम कलर स्कीम कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो इसकी आउटलाइन हम बिल्ड कर सकते हैं, हम इस पर इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं, इसके एजेस को सॉफ्ट कर सकते हैं। सो देर आर डिफरेंट ऑप्शंस दैट यू कैन यूज़। बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो हम इस पे यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसके थ्रू
डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट डायग्राम्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो 3D हैं चाहे सिंपल हैं। सिंपल फ्लो डायग्राम भी इससे क्रिएट की जा सकती है। यानी अगर आप सिंपल डायग्राम्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कोई भी इफेक्ट अप्लाई ना करें, आप सिंपल इंसर्ट पर जाते जाएं, सिंबल्स को ऐड करते जाएं, और फिर आपके पास यहाँ पर डिफरेंट एरोज़ हैं, आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं आपस में। आप इस तरह से सिंपल ड्राइंग पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो दीज आर बेसिकली शेप्स। नेक्स्ट वी हैव स्मार्ट आर्ट। नाउ व्हाट इज स्मार्ट आर्ट? इट इज़ प्रेजेंट इन इलस्ट्रेशंस। आप स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करें तो ये आपको डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, और ये सारी की सारी डिफरेंट डायग्राम की टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल हम प्रोसेस पे जाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं, इस डायग्राम को फॉर एग्जांपल हम सेलेक्ट करते हैं और मैं इसको ओके प्रेस करता हूँ, सो ये आपके सामने एक डायग्राम आ गई। अब यहाँ पर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। सो ये हमने एक डायग्राम ड्रॉ कर ली। अब जैसे ही हमने डायग्राम ड्रॉ की, अगेन यू विल सी टू न्यू रिबन बटन्स, दैट इज़ डिज़ाइन एंड फॉर्मेट। फ्रॉम डिज़ाइंस यू कैन चेंज द कलरिंग। द फर्स्ट थिंग इज़ द कलरिंग, मैंने यहाँ से कलर चेंज कर ली। द सेकंड थिंग इज़ लेआउट, हम इसकी लेआउट ऐसे चेंज कर दें, हमारी मर्ज़ी हम इसकी लेआउट को इस फॉर्मेट में कर दें, हम इसको इस फॉर्मेट में कर दें, ये हमारी उस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से इसको चेंज करते हैं। अभी हम सिंपल इसको ऐसे रहने देते, सो वी कैन चेंज द कलर्स एज वेल। नेक्स्ट वी हैव स्टाइल्स। वी कैन गो फॉर दिस स्टाइल, वी कैन गो फॉर दिस स्टाइल। आप किसी भी स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। ये हमने स्टाइल यूज़ कर लिया। नाउ लेट्स सपोज यू वांट टू ऐड स्टोरेज इन इट। अब हम क्या करेंगे, स्टोरेज कैसे ऐड करेंगे? हम सिंपल इस स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करेंगे, वी विल राइट क्लिक एंड देर इज़ एन ऑप्शन शो टेक्स्ट पेन। वी विल क्लिक ऑन द शो टेक्स्ट पेन। नाउ शो टेक्स्ट पेन इज शोइंग थ्री थिंग्स, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। फॉर एग्जांपल आई प्लेस द कर्सर ऑन आउटपुट एंड प्रेस एंटर। आप देख सकते हैं कि एक नया बॉक्स ऐड हो गया, तो हम इसको स्टोरेज कह सकते हैं। तो ये हमने स्टोरेज इसमें ऐड कर दिया। अगर हम स्टोरेज को आउटपुट से पहले मूव करना चाहते हैं, वी विल सिंपली सेलेक्ट इट, वी विल कट इट बाय प्रेसिंग कंट्रोल एक्स, वी विल गो टू प्रोसेस, प्रेस एंटर एंड वी विल टाइप द की कंट्रोल वी। नाउ स्टोरेज इज प्लेस्ड बिफोर द आउटपुट। तो ये आपके पास स्मार्ट आर्ट है। आप इसकी कोई भी लेआउट चेंज कर सकते हैं, आप इसको इस फॉर्मेट में कर सकते हैं, या आपके पास डिफरेंट वेज हैं इसको रिप्रेजेंट करने की। नाउ दिस वाज आवर टास्क रिलेटेड टू स्मार्ट आर्ट। अब हमारे पास एक टास्क आती है ग्राफ्स की, चार्ट्स की। चार्ट्स हम कैसे ऐड कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल वी क्लिक ऑन चार्ट। अब ये सबसे पहले हमें पूछेगा कि चार्ट कौन सा हमने क्रिएट करना, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट या पाई चार्ट। फॉर एग्जांपल आई सेलेक्ट द लाइन चार्ट एंड क्लिक ओके। नाउ इट हैज़ क्रिएटेड ए सैम्पल लाइन चार्ट, और साथ ही इसने आपको रिप्रेजेंट कर दिया है एक टेबल जिसमें डाटा लिखा हुआ। हम अब इस डाटा को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिख देते हैं कंप्यूटर यूज़र्स, यहाँ पर हम लिख देते हैं लैपटॉप स्मार्टफोन यूज़र्स, और यहाँ पर हम लिख देते हैं टैबलेट टैब यूज़र्स। सो आप देखते जाएं, जैसे हम चेंजेस करते जा रहे हैं ये नज़र आते जा रहे हैं। यहाँ पर हम कैटेगरीज में लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, सॉरी हम लिख देते हैं स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हम एक कैटेगरी ऐड कर देते हैं जनरल पब्लिक। तो ये आपके पास यहाँ पर चेंज होते जा रहे हैं।
यहाँ पर हम वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं, 10, 20, 30, 40, इस तरह हम कह देते हैं यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका हम शो कर देते हैं ये ट्रेंड दैट नंबर ऑफ़ लैपटॉप यूज़र्स इज़ डिक्रीजिंग एंड नंबर ऑफ़ स्मार्टफोन यूज़र्स आर इंक्रीजिंग एंड नंबर ऑफ़ टैब यूज़र्स इज़ अबाउट स्टेबल। तो आप इस तरह से चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह आप चार्ट टाइटल चेंज कर सकते हैं। यू कैन गो टू चार्ट टाइटल एंड टाइप डिवाइस यूजर्स। तो जैसे ही हम चार्ट पर आए, यहाँ पर एक नई टैब ऐड होगी, डिज़ाइन एंड फॉर्मेट। यू कैन चेंज द चार्ट टाइप टू दिस वन, यू कैन चेंज द चार्ट कलर्स जैसे ये। तो आप इस पर बहुत सारी ऑप्शंस को वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस ऑप्शन पे जा सकते हैं, तो आप चार्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्क्रीन शॉट। हाउ वी कैन ऐड स्क्रीन शॉट टू आवर वर्ड। वी विल सिंपली गो टू इंसर्ट एंड गो टू स्क्रीन शॉट। इट शोज एन ऑप्शन स्क्रीन क्लिपिंग। नाउ दिस इज अ स्निपिंग टूल। फॉर एग्जाम्पल आई ड्रैग इट फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड वेन आई रिलीज द क्लिक इट ऑटोमेटिकली इंसर्ट्स द इमेज। यू अगेन हैव द ऑप्शंस ऑफ रिमूविंग बैकग्राउंड, यू कैन चेंज पिक्चर स्टाइल एंड अप्लाई डिफरेंट इफेक्ट्स। सो हम अगर किसी चीज़ का ट्यूटोरियल बनाने जा रहे हैं तो उसमें हम इन पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव हाइपर लिंक। नाउ व्हाट इज हाइपर लिंक? हाइपर लिंक इज बेसिकली ए वेब एड्रेस, फॉर एग्जाम्पल google.com। सो वी कैन ऐड हाइपर लिंक्स टू आवर डॉक्यूमेंट एज वेल। व्हेन आई क्लिक हाइपर लिंक इट आस्क्स फॉर एड्रेस। नाउ व्हाट इज दिस एड्रेस? इट इज बेसिकली ए URL. URL ऑफ व्हाट? ऑफ एनी वेबसाइट, फॉर एग्जाम्पल https://gmail.com। तो ये हमने एक हाइपर लिंक इंसर्ट कर लिया। इसी तरह हम जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में आते हैं उसमें हम ईमेल एड्रेसेस भी दे सकते हैं। सो फॉर एडिंग ईमेल एड्रेस वी विल अगेन यूज द हाइपर लिंक ऑप्शन। वी विल क्लिक ऑन हाइपर लिंक एंड गो टू ईमेल एड्रेस। वी कैन राइट ईमेल एड्रेस abc@gmail.com। नाउ दिस इज email address. You can also remove this section to make it look simple. So this is the working with hyperlinks. Next we have header and footers. Now what is a header? Let's suppose I click on header and click this. Now this is header. अब अगर हम नया पेज क्रिएट करें तो हेडर एक ऐसी चीज है जो हर पेज के ऊपर आपको मिलेगा। हेडर इज समथिंग लाइक दिस जो हर पेज के ऊपर एग्जिस्ट करता। और दिस वाज द फर्स्ट पेज हेडर। We can go for other headers as well. We can go for insert header and we can select this option. Now this is another form of header. इसी तरह footer क्या है? Footer page के end पे आपको नजर आता है, जैसे ये page numbers, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ insert this is page number. This is footer. अभी हम इनको दोबारा किसी पेज पर अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारी फॉर्मेटिंग की थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो अगर हम अब हेडर को ऐड करें, नाउ दिस इज हेडर, दैट पेज वॉज शोइंग फर्स्ट पेज हेडर, दिस इज आवर डॉक्यूमेंट हेडर। वी कैन से MS वर्ड।
ये हमने एक पेज बना लिया। अब जैसे हम यहाँ से एक नया पेज इंसर्ट करते हैं तो आपको नए पेज पे भी हेडर नज़र आ रहा है ऑटोमेटिकली। सेम इज़ द केस विद फुटर। फुटर से हम फॉर एग्जांपल ये पेज नंबर्स ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल ये हमने पेज नंबर्स ऐड करने हैं। वी विल गो टू इंसर्ट एंड फुटर पे ये पेज ऑप्शन है तो ये उसने पेज नंबर ऐड कर दिया, पेज नंबर वन, पेज नंबर टू। एंड व्हेन यू इंसर्ट अनदर पेज इट अगेन शोज द हेडर एंड फुटर देयर। तो ये आपको बहुत सारी चीज़ें बुक्स पे नज़र आती। नेक्स्ट वी हैव द टेक्स्ट बॉक्स। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग द टेक्स्ट हेयर। I can insert text box at any location, for example here, to write additional text. So this is the purpose of text box. Similarly, we can insert page number from this option. We can add page number to top, we can add page number to bottom, or we can add page number to margins, just like this. Now this is the page number added on margins. Now what are quick parts? We can add auto text, for example abstract. It automatically writes abstracts for you. Similarly, we can add something like कंपनी एड्रेस, ऑटोमेटिकली इसके इसने आपके लिए ऐड कर दी। सो हम क्विक पार्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट जो है वो आप जो है ग्राफिकल टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आई क्लिक ऑन वर्ड आर्ट एंड आई चूज दिस ऑप्शन, यू कैन टाइप एनी टेक्स्ट हियर। नाउ दिस इज वर्ड आर्ट। और जैसे हम वर्ड आर्ट पर क्लिक करते हैं हमें दोबारा से वही शेप आउटलाइन मिलती है, शेप फिल मिलता है। हम इसको किसी भी फॉर्मेट में दोबारा से चेंज कर सकते हैं। नाउ दिस इज वर्ड आर्ट। नाउ वी हैव अनदर ऑप्शन नोन एज ड्रॉप कैप। वी गो टू इंसर्ट एंड गो टू दिस ऑप्शन दैट इज ड्रॉप कैप। फॉर व्हाट पर्पस ड्रॉप कैप इज यूज्ड? लेट्स सपोज मैंने ये टेक्स्ट लिखा वेलकम और मैं इस पर ड्रॉप कैप अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं सिंपली इसको क्लिक करूँगा एंड आई विल गो टू ड्रॉप कैप। दिस इज ड्रॉप कैप। द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल वाइल अदर्स आर स्मॉल। आप इसकी विड्थ हाइट को चेंज कर सकते हैं। दिस इज ड्रॉप कैप ऑप्शन। नेक्स्ट वी कैन इंसर्ट सिग्नेचर लाइन। वी कैन राइट anything, email address here and press OK. Now this is signature line. We can insert date and time. Here is the format. किसी भी format को start करें तो date और time लिखा जाएगा। इसी तरह हम symbols add कर सकते हैं। I can click on symbol, I can add different symbols from here. और अगर आपको कोई symbol नहीं मिलती आप more symbols से उसको browse कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी सिंबल सेलेक्ट करके वी कैन इंसर्ट दैट सिंबल। एंड द नेक्स्ट पावरफुल फीचर इज इक्वेशंस। यू कैन राइट मैथमेटिकल इक्वेशंस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एज वेल। फॉर दिस आई विल क्लिक ऑन इक्वेशन एंड आई कैन क्लिक ऑन एनी ऑफ दिस। नाउ दिस इज इक्वेशन। वी कैन यूज इंटीग्रेशन एज वेल, वी कैन यूज रेडिकल्स, वी कैन यूज़ लिमिट एंड लॉग। आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से यूज़ करके इक्वेशंस को भी राइट अप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखना है 1/4, तो हम लिखेंगे या एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय वाई स्केयर। वी विल गो टू इंसर्ट, वी विल गो टू इक्वेशन एंड वी विल राइट इंसर्ट न्यू इक्वेशन। नाउ वी वॉन्ट टू राइट एक्स स्क्वायर
डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ्रैक्शन पे मूव करेंगे, फ्रैक्शन पे। नाउ दिस इज आवर फ्रैक्शन, वी विल फर्स्ट गो फॉर फ्रैक्शन। नाउ इट क्रिएट्स टू पोर्शंस, वन फॉर द न्यूमिनेटर एंड द अदर फॉर डिनोमिनेटर। नेक्स्ट वी वॉन्ट टू राइट एक्स स्क्वायर। फॉर एक्स स्क्वायर वी विल यूज द स्क्रिप्टिंग ऑप्शन, वी विल यूज दिस ऑप्शन, वी कैन राइट एक्स हेयर एंड टू हेयर। सिमिलरली वी कैन गो फॉर डिनोमिनेटर एंड यूज अगेन द सेम ऑप्शन, वी कैन गो फॉर वाई एंड वाई स्क्वायर। नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। वी कैन चेंज द फॉन्ट्स एज वेल। सो दिस इज बेसिक मैकेनिज्म ऑफ इक्वेशन एडिटिंग। सो इक्वेशंस आपने खुद से एडिट करके देखनी है और लिख कर देखनी है कि हम इसको इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज द कमेंट्स। वी कैन ऐड डिफरेंट कमेंट्स टू आवर डॉक्यूमेंट। नो डाउट दीज कमेंट्स आर नॉट प्रिंटेबल, बट अगर हम कोई बुक रीड कर रहे हैं या हम कोई बुक लिख रहे हैं तो हम उसमें अपने नोट्स ऐड कर सकते हैं जो हमें बाद में कहीं भी हम उनको यूज़ कर सकें। सो दिस वॉज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द इंसर्ट टैब ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। रेस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल्स वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर।